खबर है मिर्जापुर से। सरकारी नौकरी में हुई धांधली के खेल में मानक के विपरीत जिले में हुई 8 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई। वर्ष 2016 में नियुक्ति पाने वालों के खिलाफ FIR लिखे जाने की तहरीर दी गई थी, जबकि नियुक्त टीम के खिलाफ जांच जारी है। मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2016 में अजब गजब नियुक्तियों का मामला सामने आया है। जिले में सरकारी स्तर से नियुक्ति के लिए 30 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। जिले के रिक्त 8 सीट पर दिव्यांग और अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की जानी थी। जनरल पिछड़ी जाति के लिए कोई सीट नहीं थी। इसके बावजूद पर्दे के पीछे चले खेल के चलते मानक को दरकिनार कर मनचाहे लोगों की नियुक्ति कर दी गई। रिक्त पदों पर आरक्षित वर्ग की खाली सीट पर पात्रों के अनदेखी की शिकायत मिलने पर जांच आरंभ की गई। जांच के दौरान नियुक्ति पाने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका सीमा अवधि 15 दिन तक तय किया गया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। मिर्जापुर से नई वार्षिक की रिपोर्ट। सर, कुछ लोगों का सेवा समाप्ति के लिए क्या रीजन था, कब ये भर्ती हुई, क्या है पूरा मामला? वर्ष 2010 के बाद जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें 3 सदस्यीय कमेटी शासन से बनाई गई थी, जिसे अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष थे, अपर पुलिस अधीक्षक सदस्य थे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, 3 सदस्यीय कमेटी थी। तो 2010 के बाद नियुक्ति हुई थी उसमें एक शिकायत आई थी। 2016 में 15,000 की नियुक्ति हुई और 16,448 अध्यापकों की नियुक्ति का मामले में एक शिकायत आई थी, उसकी जांच कराई गई। जांच में जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसके बाद उनको आरोप पत्र दिए गए। आरोप पत्र का उन्होंने 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया, 15 दिन का टाइम होता है, उसी क्रम में कार्रवाई इन लोगों की सेवा समाप्ति की गई है। साथ ही साथ FIR करने के आदेश संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को दिए गए हैं और जो वेतन इन्होंने पाया उसका आकलन करके उसकी रिकवरी कराई जाएगी। सर, क्या जैसे इसमें बताया जा रहा है, एक मामला ये था कि जो मानक थे जैसे कि पिछड़ी जाति और दिव्यांगों के, लेकिन उसको जो सीट रिक्त होती है उसी के सापेक्ष नियुक्ति होती है। जनपद मिर्जापुर में दिव्यांग कैटेगरी में सीट थी या अनुसूचित जनजाति की सीटें थी, जनरल की या OBC की सीटें नहीं थी। तो इन लोगों को गलत तरीके से उसमें मानक के विपरीत इनका चयन किया गया। शिकायतकर्ता जो शिकायत किया था उसी क्रम में जांच करके कमेटी में इसको रखा गया और उसी क्रम में कार्रवाई की गई। अच्छा सर, ये किया जाए, क्या इस तरह के और भी मामले आप लोगों की तरह जांच की जा रहे हैं, क्या कोई आता है? जो भी मामले आते हैं उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है, साथ ही साथ उसमें FIR करा के उनका जो भी वेतन है उसकी रिकवरी कराई। सर, कितने अध्यापकों पर कार्रवाई? अभी तक 8 पे मैं कल सेवा समाप्ति किया और FIR के आदेश दिया। वेतन आग्रहण हो रहा है, उसका जैसे आग्रहण हो जाएगा उनकी रिकवरी कर दी जाएगी।